नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी काम किया है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्राइस से रिलेटेड और जो भी चीज़ें थी। अब इस वीडियो में क्या करना है कि हमें हमारा शॉपिंग कार्ट का पेज है ना, इसमें सारी चीज़ें जो आपको शो हो रही हैं स्टैटिक, इसको करना है डायनेमिक। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और वहाँ पर पहुँचते हैं अपने डिटेल्स वाले पेज पर, नॉट कार्ट वाले पेज पर। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्ट का पेज और यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे शॉपिंग कार्ट, जो ये आपका लिखा है ना, ये शॉपिंग कार्ट, इसको ढूंढो कहाँ पे है। ठीक है, तो वहीं से अपना काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। कार्ट, ठीक है, शॉपिंग कार्ट। कार्ट H1 में है वो, ये रहा शॉपिंग कार्ट। ठीक है ना, करेंटली 3 आइटम्स इन दिस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी के आ जाते हैं वो थोड़ा सा ऊपर और यहीं से हम अपना काम जो है ऊपर के आते हैं, इसी के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से अपना काम हम शुरू करते हैं PHP का। क्या करेंगे यहाँ पे कि एक IP एड्रेस पहले लेते हैं, IP एड्रेस, और उसके लिए क्या है फंक्शन अपना IP एड्रेस वाला, वही यहाँ पे ले लो, ये रहा गेट यूज़र IP। कार्ट में जाओ और गेट यूज़र IP कर लो। ठीक है, ये हुआ, चलिए IP एड्रेस आ गया। अब क्या करते हैं, सिलेक्ट कार्ट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्या रहेगा, कार्ट। ठीक है, वेयर IP एड्रेस इज इक्वल, वेयर IP एड्रेस इज इक्वल दिस IP एड्रेस, दिस, ठीक है, दिस IP एड्रेस। चलो ये काम भी हो गया अपना। ठीक है, IP एड्रेस इज इक्वल टू दिस IP एड्रेस, हाँ चलो ये भी हो गया। अभी क्या है, इसको कराओ रन, रन कार्ट MySQLi क्वेरी। ठीक है, MySQLi क्वेरी, और यहाँ पे क्योंकि कौन रहेगा ना, यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि हम फंक्शन में वर्क नहीं कर रहे हैं ना, फंक्शन से बाहर हैं। 168 डेटाबेस कनेक्ट है, ओके। और सिलेक्ट कार्ट, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ें जो हैं स्टैटिकली शो हो रही हैं, तो इसको भी डायनेमिक कर देते हैं। बाकी ये तो ऑलरेडी फंक्शन इसके लिए हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन हमें ये भी लिखना ज़रूरी है तो मैं यहीं पे ये कर दे रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। MySQLi नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यहाँ पे इसको भेज दो कार्ड को, और ठीक है। अब क्या है कि ये जो आपका करेंटली 3 आइटम है ना, यू हैव करेंटली 3 आइटम, तो ये करेंटली 3 आइटम को यहाँ से करो रिमूव, यहाँ पे बनाओ PHP और PHP यहाँ पे कर दो क्लोज। ठीक है, सॉरी यहाँ से क्लोज कर दो। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें इको करा देंगे, इसमें इको करा देंगे काउंट को, ये जो हमारा वेरिएबल है काउंट का, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे इको करा देंगे ऐसे, तो वो आपका शो होने लगेगा। कंट्रोल एस टू सेव करते हैं, यहाँ पे 2 आइटम है, तो ये करते हैं तो ये आ गया अनडिफाइंड काउंट। अच्छा जी, अनडिफाइंड काउंट, ये नहीं लगाया ना डॉलर,
यू हैव करेंटली 8 आइटम्स इन द कार्ट, ये आ गया आपके सामने, यहाँ पे देखिए 8 आइटम्स है ना, तो वो आ गया, वो ठीक है अभी। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि चलते हैं इसके नीचे और यहाँ पे हमको उसको देखिए, यहाँ से है टी बॉडी और ये रहा अपना टी आर। तो मैं क्या करता हूँ कि एक टी आर जो है आपका, इसको एक रहने दो, बाकी मैं सारे के सारे यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव टी आर तक, ये तक ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव। अभी क्या है, मेरे पास है एक टी आर ओनली वन, यानी एक ही प्रोडक्ट है। अगर हम यस करके बाहर जाते हैं तो यहाँ पे हमें केवल एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे है केवल एक प्रोडक्ट। अब हम आते हैं इसके नीचे, ठीक है, और यहाँ पे इससे PHP अपना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं क्लोज एंड चलाते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में क्या करते हैं कि एक रो बनाते हैं जिसमें MySQLi फेच, अरे ठीक है, और इसमें देते हैं अभी यही ऊपर वाला जो है आपका ये रन कार्ट, ठीक है, ये दे दिया हमने यहाँ पे, ओके। तो ये जो आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। और जितने टी आर आ रहे हैं, टी आर को ले लो, इसमें ये ले लो, इसमें टी आर है ना ये, तो इस टी आर के नीचे आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे इसको करो क्लोज, ठीक है, ऐसे। ये हो गया यहाँ पे क्लोज, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, अब चलते हैं अगले वीडियो में, जो भी काम है अगले का वीडियो में करते हैं।